नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के अंधेरी पश्चिम इलाके में। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन 6 महीने पहले ही अभी लोकसभा चुनाव की सरगर्मी लगभग खत्म नहीं हुई थी, और ये वो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो प्रत्याशी थे मशाल लेकर निकले थे, और मात्र महाविकास आघाड़ी के 48 वोटों से हारे थे। ऐसे में ये लोग विधानसभा क्षेत्र काफ़ी चर्चित है। हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्र के ही कुछ लोग, यहाँ पर महिला मात्र शक्ति भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊँ आपको कि मध्य प्रदेश के साथ कई प्रदेशों में लाडली बहना योजना चली थी, वो यहाँ पर भी लाड़की बहना के नाम से योजना है। ऐसे में किस रूप में देखते हैं आपके कांग्रेस या आपके जो कैंडिडेट्स हैं महाविकास आघाड़ी, किस तरीके से महाविकास आघाड़ी के जो महिलाओं को महालक्ष्मी योजना से 3,000 रुपये उनके खाते में डायरेक्ट जाएगा, और जो शिंदे सरकार ने जो हमारा पैसा छुड़ा के 1500 जो डाल रहा है वो फेल हो गया। वो खाली इलेक्शन की वो जुमले है, इलेक्शन के वोट पाने के लिए वो जुमलाबाजी किया है और हार भी गया है। तो हमारे जो जो महाआघाड़ी के जो कांग्रेस के हैं, जो हमारे पंचतत्व में इसमें है, महिलाओं को 3,000 रुपये देने वाले। अच्छा भाई साहब, आप ये बताएं कि आप भी काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, और ऐसे में आपके सामने अलग अलग जिन लोगों के साथ हमने कहीं ना कहीं विपक्ष में चुनाव लड़ा, और एक साथ जब सब आते हैं तो क्या वाकई एक साथ हैं, क्या दूरी है, क्या है? नहीं, पूरे इस बार महाआघाड़ी के सभी नेता एक साथ मेहनत कर रहे हैं, और इस बार हम लोग 110 तक हम लोग चुन के आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको ये बताएं कि आप तो काफ़ी पुराने वरिष्ठ नेता रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जमीनी रूप से आप सब चीज़ों को जानते हो, देखते हैं। भाई साहब, ये बताएं कि चुनाव के दौरान किस तरीके का माहौल आपको लग रहा है अभी? इस समय जो है महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हवा चल गई है, समझो हवा नहीं तूफान आया है, और अंधेरी पश्चिम से अशोक भाव यादव जी भारी मतों से जीतेंगे, और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, और मुख्यमंत्री उदय साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। और जब उनका जो 2.5 साल का जो कार्यकाल था, उन्होंने इस तरीके से महाराष्ट्र को चलाया था, उसमें समझो कोरोना काल भी आया था, तो पब्लिक को उन्होंने इतने सुविधा दिया था, यहाँ तक कि जो लोग गांव जा रहे थे तो सेंटर गवर्नमेंट ने ट्रेन का टिकट भी नहीं दे रही थी। उस समय महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उदय साहब थे, उन्होंने महाराष्ट्र की तरफ से ट्रेनें फ्री दिया था। अच्छा, महाराष्ट्र की तरफ से ट्रेन की फ्री की बात भी हो रही है, कोरोना काल की बात भी हो रही है, लेकिन इस बीच हम देखें कि अभी जो लोकसभा चुनाव में आपके काफ़ी एमपी जीत कर आए हैं, तो क्या वो रिकॉर्ड फिर रहेगा या क्या? देखो कैसा है, अभी हमने भाजपा को जिता के सब देख लिया, वो हमको मालूम है क्या किया नहीं किया, मगर अब हमको तंग आ गया, अभी हमारा जो पहले कांग्रेस था कांग्रेस को ही वोट देंगे। अच्छा, क्या आंखें खुल रही है आपकी? तो अच्छा ये बताएं कि आंखें पंजे के लिए खुल रही है या मतलब किसी को हटाने? हमारे खून में पंजा है, कोई हम घर पर तलवार भी तो पंजे को ही उड़ देते हम। अच्छा, हमारे साथ ये यहाँ के क्षेत्र के लोग मौजूद हैं जिन्होंने कहा कि हम इस बार बदलाव चाहते हैं। अब ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा कि बदलाव कितना किया गया। नमस्कार।